नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री बृजेश पाठक, राज्य मंत्री मनकेश्वर सरन सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पर भड़के हैं। उन्होंने कहा कि एक आदमी पर हमला होने से हिंदुस्तान के मुसलमानों के महफूज होने का फैसला नहीं हो सकता। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए आत्मघाती हमले के बाद भारत में सियासी तूफान मच गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इमरान खान पर हुए हमले के बाद बयान देकर कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित हैं। इस पर संभल लोकसभा सीट से सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क भड़क उठे। उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ एक आदमी पर हमला हो जाने से हिंदुस्तान के मुसलमानों के महफूज होने का फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी पहले वर्ल्ड के आंकड़े मंगवाकर जानकारी कर लें कि मुसलमानों के लिए कौन सा मुल्क महफूज है या नहीं। उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी को नसीहत देते हुए कहा कि वो सोच समझ कर बयानबाजी करें। ये कैसे एक आदमी के ऊपर सारे मुल्क का फैसला एक आदमी के गोली लगने से थोड़ी हो जाएगा। अब ऐसे कितने वाकयात मुल्कों के अंदर होते रहते हैं। तो या तो उस पर अक़वामे मुत्तहिदा पर छोड़ दो, सब उससे वो मंगवाओ आंकड़े, सारे वर्ल्ड के आंकड़े मंगवाइए और उसमें देखिए कौन सा देश सुरक्षित है कौन सा नहीं। अभी उन्होंने सिर्फ एक आदमी के गोली लगने से अपने नंबर बढ़ाने के लिए काम कर दिया। वहीं फरुखाबाद में धुएं से क्यूआई 348 पर पहुंच चुका है, जिसके कारण हवा काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वहीं धुएं के कारण मौसम में भी गिरावट हो गई है, साथ ही हवा के प्रदूषण से लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। अयोध्या में शहीद हुए कार सेवकों की याद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा नवंबर माह का प्रत्येक सप्ताह हुतमात्मा दिवस रूप में रक्तदान करके मनाया जाता है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बालाजी ब्लड पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर शहीद हुए कार सेवकों को याद करते हुए हुतात्मा दिवस मनाया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर सनी शंकर महाराज और विश्व हिंदू परिषद विभाग अध्यक्ष शिव कुमार गौड ने किया है। इस मौके पर अनुज शर्मा महामंत्री और अरुण शर्मा उपाध्यक्ष, सागर भारद्वाज महानगर संयोजक, दीपक जांगड़ा महानगर सह संयोजक और महानगर टोली और प्रखंड टोली उपस्थित रहे। जो ब्लड डोनेशन कैंप रक्तदान शिविर विश्व हिंदू परिषद की ओर से, जो उसकी युवा वाहिनी है बजरंग दल, उसकी ओर से एक आयोजन है। इसमें शब्दों की तो बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं है, क्योंकि रक्त ऐसी अमूल्य चीज़ है कि रक्त के बिना हमारा जीवन यापन होना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में जो लोग इस शिविर में भाग ले रहे हैं वो वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। जब रक्त की आवश्यकता ऑपरेशन के समय, एक्सीडेंट के समय या किसी विपत्ति में होती है, तब इसकी महत्ता का पता लगता है। 6 दिसंबर को जो बावरी ढांचा ढाया गया था, उसमें बहुत से कार सेवकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। कोठारी बंधु दो सगे भाई, उसमें उनकी मृत्यु हुई, उन पर गोली चलवाई गई और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे तमाम कार सेवकों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया राम मंदिर बनवाने के लिए, उनकी याद में ये ब्लड कैंप बजरंग दल द्वारा लगाया जाता है, हमारी युवा इकाई बजरंग दल द्वारा लगाया जाता है। जालौन में बीएसएफ जवान के घर में चोरी हो गई। चोरों ने लाखों के सामान की चोरी की। चोरों ने 50,000 रुपए नगद और सोने चांदी सहित लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। हम घर में नहीं आते, लॉक लगो तो अंदर से घुसे आए, बाहर से घुसे। आप लोग कहाँ थे? सभी लोग हम लोग मायके गए थे, बीज आटा बीजापुर के पास, बीजापुर।
क्या क्या सामान गया है? सामान 6 चूड़ी है हमारे, हार है, जंजीर है, 2 अंगूठी है, 4 जोड़ी कानन के हैं, 2 जोड़ी बड़े बड़े हैं, 2 जोड़ी छोटे छोटे हैं। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया जहां अनियंत्रित वाहन ने दूसरे वाहन में टक्कर मार दी जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वही घटना के बाद चालक फरार हो गया। वही घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पीलीभीत में कथित उल्कापिंड की जांच करने भू वैज्ञानिक संरक्षण विभाग की 2 सदस्यीय टीम पहुंची। आपको बता दें कि बीते 24 अक्टूबर की देर रात तेज धमाके के साथ ये पत्थर गिरा था जिसको स्थानीय निवासियों ने उल्कापिंड बताया था, जिसको लेकर भारतीय भू वैज्ञानिक संरक्षण विभाग लखनऊ से पहुंचे 2 सदस्यों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने इलाके की बारीकी जांच के साथ ही जांच के बाद पत्थर को अपने साथ लखनऊ लेकर रवाना हो गई। मुरादाबाद के ग्राम नूरपुर थाना मेनाठेर निवासी मुस्तकिम के परिवार में 5 बेटियां और एक बेटा है। मुस्तकिम का आरोप है कि उनकी 15 साल की नाबालिग बेटी जो कक्षा 6 में पढ़ती है उसको गांव के ही कुछ लोग रास्ते में रोककर छेड़खानी करते हैं। 16 अक्टूबर की रात भी नाबालिग युवती को रोककर उसके साथ छेड़खानी की गई। नाबालिग युवती के विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मैं परचूनी की दुकान पर जा रही थी तो वो लड़के उन्होंने मुझे छेड़ा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के सीने पर हाथ चलाया। मैंने उनसे काफ़ी मना करी थी लेकिन वो नहीं मान रहे थे। और मैं रोज़ रास्ते में जाती हूँ, रोज़ मुझे छेड़ते हैं वो। मैं काफ़ी मना करती हूँ लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे छेड़ रहे हैं। एकदम से हाथ पकड़ लिया मेरे सीने पर, मेरे नाजुक बदनों को छू रहे थे। मैं थाने भी गई थी लेकिन वहाँ कोई सुनवाई ना हुई। वहाँ कैसे हो जाएगी गरीबों की सुनवाई? क्योंकि मालदारों का जमाना है ना आजकल, गरीबों का कुछ नहीं है। कब हुई थी आपका सारी वारदात? कितने दिन हो गए? 19 तारीख को हुई थी। 15 दिन पहले आपके साथ वारदात हुई? यस। तो अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन लिया? बिल्कुल नहीं लिया। कितने लोग थे जिन्होंने आपके साथ? 4 लोग थे। क्या हुआ था पूरी बात बताइए। मतलब मैं परचूनी की दुकान पे जा रही थी, उनमें से आते समय उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के विनीत नाम का जो, उन्होंने मेरे सीने पे हाथ चलाया। मैंने काफ़ी मना करी थी और ऊपर से ये भी कही अगर तूने अपने घर वालों से कह दी जाके तो तुझे जान से मार देंगे। पिस्तौल के द्वारा छेड़ा गया यार। पौड़ी में जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय रामलीला मैदान में एगास मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही भीला नृत्य का भी आयोजन रखा गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने शिरकत की तो वहीं लोक गायक गजेंद्र राणा ने भी अपने अपने गीतों को गाकर लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और SSP श्वेता चौबे ने शहरवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख समृद्धि की कामना भी की है। केंद्रीय विद्यालय रायवाला में शनिवार को विद्यालय के प्राथमिक वर्ग के विभिन्न 4 सदनों के छात्र छात्राओं के बीच नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें समूह नृत्य का प्रस्तुति देकर बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में शिवाजी हाउस, टैगोर हाउस, अशोका हाउस और रमन हाउस से प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य रमेश शर्मा ने किया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।